हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज के इस वीडियो में JEE मेन हम स्टार्ट करेंगे, अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, हमारा चैप्टर चालू था बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइंस। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, क्या है क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं। लेट ओ 00 एक पॉइंट है और ए 01 एक पॉइंट है जो कि फिक्स है। फिक्स मतलब उनकी जगह फिक्स है। ओके, तो मैं एक ऐसा ले लेता एग्जांपल, जैसे कि हमारा एक ओ हो गया 00 और एक ए हो गया 01, ये अपनी जगह पे है स्पेस में कहीं पर। हाँ, एक लोकस है। लोकस मतलब कोई पॉइंट हो गया, मतलब कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया मैंने, पी मान लिया उसको, तो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तुम्हारा एच कॉमा के सिलेक्ट कर लिया। आप एक्स वाई भी ले सकते हो, मैं एच के लेता हूँ, चलो एक्स वाई ले, तुम्हारी मर्जी। इसको एक्स कॉमा वाई मान लेता हूँ। ओके, सच दैट कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अब देखो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, तुम तीनों पॉइंट को जोड़ोगे ना। अभी ट्राइंगल राइट एंगल है, इक्विलैटरल है, कुछ पता नहीं है, बस ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का जो एरिया का पेरीमीटर है, यहां लिख के दे रहा हूं, सॉरी, पेरीमीटर कितना दिया आपको? 4 दिया हुआ है। मतलब टोटल तीनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। तो ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है? ओ। ओके, अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, तुम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, इसका तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसका डिस्टेंस निकालोगे ओए का तो 1 आएगा, देख के समझता है गधो। अंडर रूट में क्या आएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो 0 को 0 से माइनस किया 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, वैल्यू 1 आएगा डायरेक्ट। इसका वैल्यू कितना है? 1। ओके, इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें क्या कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, देखो। ओके, इसका लिए से निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? तीनों का सम यानी पेरीमीटर कितना दिया है? 4, जिसमें से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये दोनों मिला के कितना होगा? 3 होगा। तो हमको हमारा इक्वेशन मिल गया, OP प्लस AP इज इक्वल टू क्या होगा? 3। सिंपल, टोटल चारों मिला के, तीनों साइड मिला के 4 है, जिसमें ये अकेला 1 है, तो इन दोनों की वैल्यू मिल गई कितनी होगी? 3 होगी। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं अभी। अब लगाएंगे हमारा लोकस चैप्टर का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। OP किधर है? इधर है। कैसे करेंगे? अंडर रूट में, याद है, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा, y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y स्क्वायर ही होगा। इतना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। ओके, फॉर्मा लग रहा है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का वैल्यू x होगा ऊपर स्क्वायर, y माइनस 0 y का वैल्यू y होगा y का स्क्वायर, प्लस ap मानिए। तो चलो अंडर रूट में वापस, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, y माइनस 1 तो y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है? 3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। अब पता है सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन स्क्वायरिंग करने के पहले अपने को पहले एक कोई रूट को वहां लेके जाओ, इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। ओके, तो काम करता हूं मैं, इसको लेके जाता हूं वहां पर। तो ये एज इट इज रहेगा, उस तरह वाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 3। ए रूट वहां गया तो क्या बन गया? माइनस। ओके, अब कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहां सॉल्व करता हूं मैं, ये अकेला इधर पे, यहां स्क्वायरिंग होगा तो रूट भाग जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एक मैं काम कर सकता हूं, इसमें फॉर्मूला लगा दूं यहां पर उसी स्टेप में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? देखो, वाई का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये आपको आना चाहिए। देखो, y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2y, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, उस तरफ। अब अगर तुम यहां होल स्क्वायर करोगे तो यहां पर ऐसे होल स्क्वायर करोगे तो यहां देखो फॉर्मूला लग गया है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर होगा, मतलब 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, माइनस 2ab, तो 2 3 जाए 6, 6 इंटू रूट जो भी है 6 रूट, प्लस b स्क्वायर। देखो, a स्क्वायर हुआ, 2ab हुआ, अब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा वापस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ दिख रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कट। ओके, जो बचा छाप दो, क्या बचा बताओ? एक काम करते हैं अपन, देखो ये माइनस रूट यहां लेकर आओ, माइनस रूट यहां आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी सब वहां भेज दो, यहां 9 ऑलरेडी है, प्लस 1 गया तो क्या बन जाएगा? माइनस 1, माइनस 2 आ गया तो क्या बन गया? प्लस 2 है, यानी वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y प्लस 8, लास्ट से तुम्हारा आंसर आएगा। फिर स्क्वायरिंग कर दो एक बार, 6 का रूट हो जाएगा 36, ए रूट भाग गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, रूट का स्क्वायर भाग गया, यहां पर भी तुम्हारा। एक काम कर सकते, लेकिन अपन ना सॉरी इजी करने के लिए काम कर सकते, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, डिवाइड कर दो,
थ्री से कट गया तो ये आया टू थ्री जा हो गया, ये टू वन जा तो y बचेगा, ये टू कितने जा फोर जा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब कर दो स्क्वायरिंग, थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एट वाई प्लस सिक्सटीन। सबको एक तरफ ले लो, यहाँ पर क्या देखो नाइन इंटू एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन इंटू वाई स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर, वहां से एक वाई स्क्वायर इधर आया तो क्या बन गया माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इधर नाइन वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर आके माइनस हो गया, इधर क्या हो जाएगा एट वाई स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर करो। बाकी इधर ला दो प्लस एट वाई इधर आया तो माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन आया तो क्या माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तुम्हारा वैल्यू क्या आंसर है देखो, सिक्सटीन वो उस तरफ दिया हुआ है तो सिक्सटीन इस तरफ आएगा तो ऑलरेडी क्या बन जाएगा माइनस सिक्सटीन, ये तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है। कॉपी कर लो इतना, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, ओके डायग्रामेटिकली समझेगा, क्वेश्चन इजी है बहुत। लाइंस आर ड्रॉन, लाइन बोल सकते, लाइंस नहीं लाइन बोल सकते हैं, एक लाइन मैंने क्या किया ड्रॉ की है पैरेलल बनाया, पैरेलल समझते हो पैरेलल का मतलब क्या होता है, किसको पैरेलल बनाया इस लाइन को, समझो ये मेरी लाइन है, इसको बनाता हूँ पहले मैं, नाम क्या है इसका 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा लाइन है, इसको मैंने एक लाइन क्या ड्रॉ किया पैरेलल, मतलब एक और लाइन मैंने ड्रॉ किया पैरेलल, इसका नाम नहीं पता तो क्या बोल देंगे हम लोग एल बोल देंगे, एक पैरेलल ड्रॉ किया और ये लाइन क्या है एट ए डिस्टेंस, बीच वाला भूल जाओ, ध्यान से देखो लाइन्स आर ड्रॉन क्या एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 बाय 5, मतलब ओरिजिन, ओरिजिन समझते हो ना 0 0 0 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो डिस्टेंस कितना है 3 बाय 5, ओके तो बताओ देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइन लाई ऑन द लाइन, मतलब ये चार पॉइंट दिए हैं, ये चारों में से कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, लाई मतलब इसके ऊपर आता है, जैसे कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, बहुत करोड़ों पॉइंट होंगे, तो इसमें से कौन सा इसमें से पॉइंट लाई करता है इसके ऊपर, सिंपल है टेक्निक, देखो अगर मैं आपको इस लाइन का इक्वेशन दे दूं ना तो आप निकाल लोगे कैसे, अगर मान लो इसका इक्वेशन मैं एज्यूम करता हूं, इसका इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, तब सिंपल क्या करोगे ये पॉइंट पुट करके देखोगे इसके अंदर जो सेटिस्फाई किया वो आ गया आंसर, तो अपना आंसर कितना दूर है जब तक अपन इक्वेशन नहीं फाइंड करते, एक बार इस वाले का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पुट करना है ये तो दूसरा कहीं है, इसको मतलब नहीं इस पॉइंट से, ओके ये जो पॉइंट फाइंड करना है वो इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर नहीं, तो सिंपल करना क्या देखो, सिंपल तुम देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला ये दोनों लाइन पैरेलल है, और मैंने पढ़ाया है या पढ़े होंगे लोअर सेवेंस में, कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उनका एक्स और वाई टर्म सेम होता है, जैसे कि ये 4x है तो ये भी 4x होगा, ये माइनस 3y है ये भी माइनस 3y होगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म अलग रहेगा, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म 2 है तो वहां कुछ भी हो सकता है, तो उस कुछ भी को हम क्या मान लेते हैं, चलो के मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0, बस अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको भूल जाओ, अब सिर्फ इसको सॉल्व करो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा फॉर्मूला डिस्टेंस का, मॉड ऑफ क्या ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पॉइंट से डिस्टेंस तक का, ओके पर फॉर्मूला जो डायरेक्ट तुमने लगाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखो क्या करने का, इसको भूल लो, अभी भूल लो, हाँ अब ये पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है, सेम छाप दो, इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y प्लस कितना k अपॉन, ओके अब क्या करो x के साथ कौन है 4 का स्क्वायर कर दो, y के साथ कौन है माइनस थ्री का स्क्वायर कर दो 9, ओके और जो इक्वेशन दिया उसमें पॉइंट पुट कर दो 0 0, तो x की जगह आ जाएगा 0, y की जगह आ जाएगा 0, ये फॉर्मूला है, a x1 की वैल्यू 0, बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डिस्टेंस देखो 3/5 दिया, तो यहाँ आएगा 3/5 बराबर मॉड में ए भी 0 के ए भी 0 बचा क्या के अपॉन, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि क्या है 16 और 9 कितना होगा 25 का रूट 5 कट, तो वैल्यू तुम्हारा क्या बचा के की वैल्यू तुम्हारी क्या आई 3 आई, ओके प्लस मान ले सकते हो तो मैं कोई भी ले लूंगा प्लस ले लेता हूँ, मतलब हो ना हो हमारा इक्वेशन हमने क्या माना था ये इक्वेशन माना था, तो 4x माइनस 3y k की वैल्यू कितनी है मान लो 3 पकड़ लेता हूँ प्लस 3 मिल गया इक्वेशन, अब ये पॉइंट पुट करके देखो इसमें आप, चलो पुट करता हूँ साइड में मैं, क्या इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके चलो x की वैल्यू पहली पॉइंट क्या है -1/4, तो 4 × -1/4 -3 × y की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस 3 बराबर 0, 4 और 4 कट
थ्री और थ्री कट, बचा क्या माइनस वन, इधर क्या बचा माइनस टू और आगे जाके प्लस थ्री, बताओ वैल्यू कितना है, हो गया सेटिस्फाई। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन है ए। अंडरस्टूड, कॉपी कर लो इतना। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थैंक यू वेरी मच।